नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बाउत। पॉलिटी की बात कर रहे थे, पॉलिटी में आप आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखते हैं कि जो नोट्स हैं डॉक्टर दिनेश गहलोत सर के क्लास के नोट्स हैं। 1962 में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने हेतु सुझाव देने के लिए के संतानम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ठीक है, के संतानम समिति की अनुशंसा पर गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर 11 फरवरी 1964 को CVC की स्थापना की गई। किसकी समिति की सिफारिश पर? के संतानम समिति की सिफारिश पर। कब की जाती है? 11 फरवरी 1964, याद रखना। CVC नितूर श्रीनिवास पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। नितूर श्रीनिवास कौन थे? नितूर श्रीनिवास। 1998 में CVC को वैधानिक दर्जा देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 बनाया गया। अब इसकी विशेषताएं देखें, CVC एक बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय है। इसे मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा दो अन्य सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। वर्तमान में सुरेश एन पटेल मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। सुरेश एन पटेल और दो अन्य सतर्कता आयुक्त के पद जो है अभी रिक्त हैं। योग्यता की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति कॉलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री कॉलेजियम के अध्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा विपक्ष के नेता गृहमंत्री इसके सदस्य होते हैं। शपथ जो है राष्ट्रपति इन्हें दिलाते हैं। राष्ट्रपति दर्जा मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा UPSC के अध्यक्ष के बराबर, सतर्कता आयुक्त का दर्जा UPSC के सदस्य के बराबर होता है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 4 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। 4-65, याद रखना, 4-65 है ना। पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सतर्कता आयुक्त के मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया देखें, हटाना कदाचार अक्षमता के आरोप में राष्ट्रपति हटाते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जाँच करवा कर हटाते हैं। जाँच के दौरान राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकते हैं। वर्ष 2010 में बात करें तो तत्कालीन मुख्य सतर्कता आयुक्त PJ थॉमस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया गया था। कार्य की बात करें, कार्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतें सुनना, केंद्रीय सेवाओं के यानी कि ए श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतें सुनना, RBI नाबार्ड SIDBI संस्था के अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतों को सुनने का काम करता है, CBI को किसी मामले में जाँच का आदेश देना, प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में अनुशंसा करना, विसल ब्लोअर से संबंधित मामले देखना। विसल ब्लोअर ये अमेरिका से ली गई जो सूचना देता है सरकार को, ये विसल ब्लोअर रहता है। विसल ब्लोअर की संबंधित मामले देखना। 2004 में विसल ब्लोअर से संबंधित मामले CVC को दे दिए गए। CVC अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, जिन्हें वो संसद में रखवाते हैं। ब्लो योर विसल CVC द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाया गया अभियान है। ये केंद्र राज्य संबंध अगले वीडियो में।